मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 17 सीआरपीसी का। जो अध्याय है 17, वो किसके बारे में प्रावधान करता है? तो आरोग्य से संबंधित टोटल प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 17 में है। सेक्शन 17 में, सॉरी, अध्याय सेशन 17 में, अध्याय 17 में जो है आरोपों के बारे में प्रावधान है। तो उसमें सेक्शन 211 से लेकर के 224 तक जो है आरोपों के बारे में प्रावधान है, जो कि अध्याय 17 में है। तो 211 आरोपों की अंतर्वस्तु में क्या क्या रहेगा, 212 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां, 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, 214 आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है, 215 गलतियों का प्रभाव, 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकेगा, 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना, 218 218 में सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, 219 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों को आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा, 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, 221 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, 222 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है, 223 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, 224 कई आरोपों में से एक के लिए दो सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। ये रहा सीआरपीसी का अध्याय 17, जिसमें आरोपों के बारे में प्रावधान किया गया है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें, आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू।